सो दोस्तों, मोटो ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। और सच में दोस्तों, मोटो इस बार जो है बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन जो है लॉन्च किया है, जो कि मोटो एज एक्स 30 सीरीज की देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि इंडिया में कब तक देखने को मिलने वाली है और किस प्राइस रेंज पे देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो में आपको अंत तक बनी रहनी है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटो एज एक्स 30 की डिस्प्ले की। तो दोस्तों, इसमें आपको 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल रही है। पंच होल डिजाइन में आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसमें जो है आपको 16M कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल रही है, और ब्राइटनेस लेवल आपको 800 निट्स की देखने को मिल रही है। मतलब सनलाइट में भी आप डिस्प्ले को आसानी से देख सकते हैं, आपको कहीं पे भी देखने में दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही में दोस्तों, ग्लास में जो है आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। 395 ppi की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल रही है। बेहतरीन डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। मोटो ब्रांड की ओर से जो है इस बार जो आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। जिस प्राइस रेंज सामने निकल करके आई है, उस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको एक नंबर क्वालिटी की जो है डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, फोन में क्या प्रोसेसर दी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल रही है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 की देखने को मिल रही है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। 5G प्रोसेसर है। नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिल रही है। आर्किटेक्चर 64 बिट पे देखने को मिल रही है, और एड्रिनो की तरफ से आपको GPU देखने को मिल रही है। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस जो आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। हाई से हाई ग्राफिक्स गेम आप पबजी प्ले करते हैं, या आप कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करते हैं, या फ्री फायर प्ले करते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपकी इस स्मार्टफोन में जो है वर्क करने वाली है। हाई ग्राफिक्स पे जो आप इसको प्ले कर सकते हैं, आपको जो है 1% की भी जो है लैग देखने को नहीं मिलने वाली है इस स्मार्टफोन में, और साथ ही में आपको हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलने वाली है। आप अंधाधुंध गेमिंग कर सकते हैं इस स्मार्टफोन के साथ, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्मार्टफोन जो है आपकी एंड्रॉयड वर्जन 12 पे वर्क करती है। और फोन की स्टोरेज वेरियंट की अगर बात कर लिया जाए, तो दो स्टोरेज वेरियंट आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें 8GB की रैम वेरिएंट देखने को मिलती है, 256GB की स्टोरेज वेरिएंट, और 12GB की रैम वेरिएंट देखने को मिल जाती है 256GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ। रैम वेरिएंट आपको दो देखने को मिल रही है, लेकिन स्टोरेज वेरिएंट आपको एक ही देखने को मिल रही है 256GB की। सो अब बात कर लेते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो दोस्तों, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दी गई है, जिसमें 50 megapixel की आपकी प्राइमरी सेंसर है, और 50 megapixel की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है, और 2 megapixel की डेप्थ सेंसर दी गई है। डेप्थ सेंसर का लोग जो है बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण सभी स्मार्टफोन में आपको डेप्थ सेंसर कमी देखने को मिलती है। उसी जगह फ्रंट फेसिंग कैमरे की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए, तो 60 मेगापिक्सल की आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाती है सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए, पंच होल कट में आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं फोन की बैटरी की। अच्छी बैटरी रहेगी तो बैकअप अच्छी देखने को मिलेगी। तो 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल रही है, जिसे चार्ज करने के लिए इन दी बॉक्स 68W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब फाइनली दोस्तों, फोन इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है, और साथ ही में इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो 2022 में आपको फरवरी के लास्ट वीक तक में इस स्मार्टफोन को जो है इंडिया में लॉन्च करी जाएगी, और साथ ही में इसकी जो प्राइस होने वाली है, जो 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरियंट की जो प्राइस होने वाली है, वह 37,490 rupees अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसी जगह 12GB रैम और 256GB की स्टोरेज वेरिएंट की जो प्राइस है, उसकी प्राइस आपको अप्रोक्स 42,000 rupees इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।